नमस्कार, मैं शिव प्रकाश गुप्ता अपने YouTube चैनल एसपी जेएसडी एंटरटेनमेंट पर आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दर्शकों, रोजाना की तरह मैं अपने चैनल पर एक नए कलाकार, एक नए मेहमान से आप लोगों की मुलाकात करवाता हूं। तो आज का दिन बहुत ही खास है क्योंकि आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं यूपी से बहुत ही हरफन मौला स्टार, जो कई फिल्मों में काम कर चुके हैं, जिनका नाम है सागर गुप्ता जी। आ गया। और हमारे चैनल की खास एंकर उषा झा मैम जुड़ चुकी हैं धनबाद से, मीता शर्मा जी जुड़ चुकी हैं पंजाब से, और एस के गुप्ता जी हरियाणा से। तो सभी को मैं एक साथ नमस्कार करना चाहता हूँ। नमस्कार सर। नमस्कार, नमस्कार सर। नमस्कार जी। नमस्कार। चलिए, एसपीजे एंटरटेनमेंट के सारे महारथियों को मेरा दिल से प्रणाम। जी प्रणाम, प्रणाम। अब मैं उषा झा मैम से आग्रह करूंगा कि हमारे सर के लिए एक स्वागत गान प्रस्तुत करें। जी सर। बहारों फूल बरसाओ प्रिय मेहमान आए हैं, प्रिय मेहमान आए हैं, हवाओं हवाओं झूम कर गाओ प्रिय मेहमान आए हैं, प्रिय मेहमान आए हैं, करें हम किस कदर स्वागत मेरे मेहमान आए हैं, प्रिय मेहमान आए हैं, प्रिय मेहमान आए हैं, प्रिय मेहमान आए हैं, पखारो इनके बहा कर प्रेम की गंगा, पखारो इनके चरणों को बहा कर प्रेम की गंगा, हुई रोशन ये झारखंड प्रिय मेहमान आए हैं, प्रिय मेहमान आए हैं, हुई रोशन एसपीजे एसडी चैनल प्रिय मेहमान आए हैं, प्रिय मेहमान आए हैं, बहारों फूल बरसाओ प्रिय मेहमान आए हैं, प्रिय मेहमान आए हैं, हमारे मेहमान आए हैं, प्रिय मेहमान आए हैं। बहारो फूल बरसाओ प्रिय मेहमान आए हैं, सागर गुप्ता जी आए हैं, मीता शर्मा जी माला ले आओ प्रिय मेहमान आए हैं, सागर गुप्ता जी आए हैं, उषा जी आरती उतारो प्रिय मेहमान आए हैं, सागर गुप्ता जी आए हैं, श्याम गुप्ता जू लड्डू ले आओ प्रिय मेहमान आए हैं, सागर गुप्ता जी आए हैं, न मुंबई से न बिहार से न यूपी न बंगाल से, ये यूपी से ही आए हैं, प्रिय मेहमान आए हैं, सागर गुप्ता जी आए हैं, एसपीजे एंटरटेनमेंट
पे ये मनोरंजन करने आए हैं, अपने बारे में बताने आए हैं। थैंक यू देवियों सज्जनों, बहुत अच्छा लगा कि आज हमारे सर आए हुए हैं यूपी से और अपने बारे में बतलाएंगे कि इनका जन्म कहाँ हुआ, ये कैसे फिल्म क्षेत्र में आए हैं। तो सागर गुप्ता जी नमस्कार दोबारा, और आप हमें अपने बारे में बताएं कि आपका जन्म कहाँ हुआ और आप कैसे फिल्म क्षेत्र को चुने, कैसे आए। सर जी सबसे पहले तो मैं दो बातें और कहना चाहता हूँ, पहले इजाजत दीजिए। जी बिल्कुल, हमारी जो उषा मैम है इन्होंने इतना शानदार मतलब जो अभिनंदन हमारा किया है, कोटि कोटि प्रणाम। और सच बताएं तो ऐसा लग रहा था कि लता मंगेशकर स्वयं सामने बैठी हैं और एकदम से हमारा अभिनंदन कर रही हैं, और शायद मेरे जन्मदिन पर भी इतना अभिनंदन मेरा नहीं किया गया होगा। अभी भी ऐसा लग रहा है कि कान में अभी भी आपका जो सॉन्ग है वो चल रहा है, आपका अभिनंदन अभी भी मैं सुन पा रहा हूँ। थैंक यू, बहुत शुक्रिया, दिल से शुक्रिया। थैंक यू सागर जी, थैंक यू। ओके और चलिए बोलिए सर। बाकी सर नाम सागर गुप्ता है, और दर्शकों को आपके जरिए, आपके चैनल के जरिए मैं एक चीज और क्लियर कर देना चाह रहा हूँ कि सागर गुप्ता तो मेरा खुद का नाम है, खुद से बनाया हुआ और खुद से ही मैंने अपने खुद से रखा हुआ है, और मेरा रियल नाम है सुशील कुमार। सुशील कुमार तो और बाकी मेरा जो गांव है, जो पैतृक गांव है, वो मेरा जैसारी कला है, हमारे उरई से 20 किलोमीटर दूर एक छोटा सा गांव है जहां से बचपन में ही हमारे माता पिता यहां पे उरई आए थे, तो वहीं पे हमारी सारी जो भी पढ़ाई है, शिक्षा दीक्षा वो यहां पे हुई है, और हम यहीं से चलना सीखे हैं, यहीं से हम बढ़े हैं और यहीं से बहुत सारा सफर हमने तय किया है। और हमारे घर में मम्मी है, पापा है और हम तीन भाई हैं जिसमें मैं सबसे छोटा हूँ, और मेरे दो भाई मुझसे बड़े हैं, और एक मेरी सिस्टर है जिसकी शादी हो चुकी है, अनमैरिड है, और एक मेरे सबसे बड़े भाई हैं जो मैरिड हैं। और बाकी सर मेरे बारे में तो बहुत सारी बातें हैं, बाकी मेरी जो भी मतलब शिक्षा है वो उरई में ही हुई है, और दयानंद वैदिक महाविद्यालय से मैंने अपनी पढ़ाई पूरी करी है, और उसके साथ ही मैंने यहाँ पे अपने जीवन के बारे में बता रहा हूँ कि मैंने यहाँ पे पहले मैं मतलब पढ़ रहा था, लेकिन पढ़ने के साथ साथ मेरा सपना मतलब मुझे खुद पता नहीं था मैं कहाँ जा रहा हूँ, मुझे घर से भेजते थे पढ़ने के लिए लेकिन मेरा रुझान कहीं और था, मतलब जीवन में कहीं और जाना था मुझे, तो मैं घर से निकलता था पढ़ने के लिए लेकिन मैं सच बताऊं मैं टॉकीज में चला जाता था, मेरे मतलब यहाँ पे जो अर्चना टॉकीज है जो अभी निर्माण चल रहा है जिसका, तो मैं अर्चना टॉकीज और अनुराधा टॉकीज, तो मैं इन टॉकीजों के बाहर जाता था बचपन में, और ये बात शायद किसी को भी नहीं मालूम, मेरे घर में भी अभी नहीं मालूम किसी को, आज आपकी लाइफ से शायद उनको पता चलेगा कि मैं अनुराधा टॉकीज में जाकर मैं सर पोस्टर ही देखता था, फिल्म नहीं देखता था, पोस्टर देख के जो मुझे सुकून मिलता था वो अलग ही था, एक बड़ा पोस्टर, एक हीरो, उसमें किस तरीके से विलन का मतलब उन्होंने वो किया हुआ है पूरा, एक पोस्टर देख के ही मैं ये महसूस करता था मैंने पूरी फिल्म देख ली, वो अनुभव महसूस करता था, बीच बीच में मैं वहां से निकल जाता था, फिर कभी 2 दिन 5 दिन बाद 10 दिन बाद कभी दूसरी टॉकीज में कोई फिल्म लगी, क्योंकि चौराहों में मालूम तो पड़ जाता है जब भी हम कभी मार्केट पहुंचते हैं तो ये तो पता चल जाता है कि कोई फिल्म आई है, अच्छा उस फिल्म को देखने के लिए पोस्टर तो अधूरा था, फिर हम टॉकीज पहुंचते थे, पैदल ही चले जाते थे और जाके पोस्टर को, जो भी 5-7-10 बड़े बड़े पोस्टर रहते थे उन पोस्टरों को देखता था, उनको देख के मतलब अलग टाइप का एक अनुभव, एक बहुत अच्छी फीलिंग मतलब जो मुझे मिलती थी, ऐसा लगता था जैसे मैंने पूरी फिल्म देख ली, और बड़े खुश होके घर में आता था, और इसके बाद सफर और आगे बढ़ा,
फिर वही सफर हमारा फिल्म में, मतलब जैसे टॉकीज के बाहर थे अभी, तो एक समय बाद जब हम लोग जिंदगी के पड़ाव पे आ जाते हैं, कुछ आगे पैसा भी हाथ में होता है, ऐसा घर से भी मिल जाता है कभी खर्चे के लिए, तो उस समय पे फिर मैं टॉकीज में फिल्म देखना शुरू कर दिया। अच्छा, उस समय पे क्या स्थिति रहती थी सर कि जैसे ही मैं टॉकीज में होता था तो अजय देवगन की फिल्म देख के निकला हिंदुस्तान की कसम। तो मैं सच बताऊं क्या फीलिंग रहती थी, वहां से निकलते समय मैं अजय देवगन ही था, मैं अजय देवगन मतलब बन के निकलता था, और कहा एकदम से जैसे ही चौराहे तक आया घर तक बड़ी अच्छी फीलिंग आई। दो दिन बेहतरीन अजय देवगन का पूरा खुमार रहता था पूरी फिल्म का, मतलब कैसी बिल्डिंग्स है, कैसे मतलब कार्स है वहां पे, क्या मूवमेंट चल रही है, वो पूरा मेरे दिमाग में रहता था, मैं उसको फील करता था, मतलब पूरी फिल्म को मैं एकदम से ये समझता था मैं उसमें जी रहा था एक कैरेक्टर के जरिए। लेकिन तो ये स्कूल जाने के बजाय सिनेमा हॉल चले जाते थे और वहां पोस्टर देख करके इनको महसूस होता था कि मैंने फिल्म देख ली है, और ये घर आते थे बहुत खुशी खुशी, माँ बाप भी सोचते थे कि पढ़ाई करने जा रहे हैं, लेकिन ये कहीं और पहुंच जाते थे। जब इन ये थोड़े बड़े हुए और इनको खर्चे के लिए कुछ पैसे मिलने लगे तो इन्होंने सिनेमा भी देखना शुरू किया, और जब सिनेमा देखते थे तो उस कैरेक्टर में ढल जाते थे और उनको लगता था कि मैं ही अजय देवगन हूँ, मैं ही शाहरुख खान हूँ, और वो घर में उसी अंदाज में पहुंचते थे। घर तक, घर के आने तक इनका जो हौसला काफी बुलंद रहता था। लेकिन सर घर पहुंचने के बाद क्या होता था? सागर जी तुमने यार फोन काट के ना, फोन कर दो सब गड़बड़ हो गो, कट गो फोन, फिर ना फोन करो, नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है सागर जी का थोड़ा सा। सागर साहब सुन पा रहे हैं? सागर साहब का नेटवर्क का प्रॉब्लम है, तो चलिए हम उषा मैम जी से आग्रह करेंगे कि कुछ कमेंट्स भी आए हुए हमारे दर्शकों का, तो कमेंट्स को पढ़ा जाए। उषा मैम जी, एसजे एंटरटेनमेंट ने लिखा है नाइस लुक है सागर जी आपकी, ओके। नेहा गुप्ता ने लिखा है नाइस, वाओ। बीआरए फिल्म्स खुजराहो ने लिखा है वेलकम माय डियर सागर गुप्ता जी, मैं बेस्ट, माय बेस्ट फ्रेंड, बेस्ट फ्रेंड ने लिखा है। एज एंटरटेनमेंट ने लिखा है नाइस सॉन्ग सी प्रकाश जी, ओके थैंक यू। एज एंटरटेनमेंट ने लिखा वेरी नाइस स्टार्ट, ओके थैंक यू, स्टार्ट वेरी नाइस। ओपीजी एंटरटेनमेंट धनबाद ने लिखा है वेरी नाइस सॉन्ग उषा मैडम, ओके थैंक यू वेरी मच। ओपीजी एंटरटेनमेंट धनबाद ने लिखा है सभी गणमान्य लोगों को प्रणाम, आपको भी आशीर्वाद प्रणाम चैनल की ओर से, चैनल की तरफ से। एक्टर सागर गुप्ता ऑफिशियल ने लिखा नाइस, ओके थैंक यू सागर जी। एजी एंटरटेनमेंट ने लिखा है सभी को प्रणाम, आपको भी आशीर्वाद और प्रणाम। चलिए बहुत हमारे प्यारे प्यारे दर्शक अच्छे अच्छे कमेंट्स कर रहे हैं, खुशी हो रही है। लेकिन मैं आग्रह करूंगा सभी दर्शकों से कि साथ साथ शेयर भी करते चले जाएं, क्योंकि हो सकता है आपको जरूरत नहीं है लेकिन आपके जो परिचित लोग हैं उनको हमारे चैनल पे आने की जरूरत हो और वो आ सकते हैं, क्योंकि हमारे शो में हमारा कॉन्टेक्ट नंबर भी दिया रहता है। ऐसे में बतला देना चाहता हूँ हमारा नंबर है 8210325178। कोई भी कलाकार हैं जो अपने आप को कलाकार समझते हैं वो कॉल कर सकते हैं, और किसी की पैरवी की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट कांटेक्ट करें और अपना अपॉइंटमेंट आज ही बुक करवाएं कि किस दिन आप आना चाहते हैं। और हम लोग मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद, और फिर आगे की बातों की सिलसिला जारी रहेगी। हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं मुश्ताक डुगला जूनियर अमिताभ बच्चन, मैं गुजरात से हूँ और बिल्ली मोड़ा में रहता हूँ।
मेरी तरफ से आप सभी देशवासियों को, आप सबको नए साल की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार। वेलकम बैक माय फ्रेंड्स एंड माय गेस्ट। गेस्ट जी का नेटवर्क थोड़ा स्लो है इसलिए वो आउट हो चुके हैं, लेकिन आज हमारे साथ एसपी गुप्ता साहब हैं, उषा झा मैम हैं और नीता जी हैं। तो तीन तीन दिग्गज हमारे चैनल पे हैं और अपने आप में ये काबिले तारीफ हैं। इनकी प्रशंसा मैं जितना भी करता हूँ मुझे लगता है कि मैं कम ही कर रहा हूँ। और अभी ये आप लोग का मनोरंजन करेंगे और नीता जी आपको एक गाना सुनाएंगे, पत्ता पत्ता बूटा बूटा। तो मीता जी स्टार्ट। गलती होगा तो माफ कर देना, मैं करूंगी जरूर क्योंकि आप कर एक्सपेक्ट करती हूँ, आपने मुझे कहा इसलिए। पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने हैं, पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने हैं, पत्ता पत्ता। इतना ही आता है जी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया मीता जी। अब मैं अपने दर्शकों से अनुरोध करूंगा कि मीता जी ने जिस सॉन्ग को गाई है उस सॉन्ग का कौन सा फिल्म का वो सॉन्ग है आप लोग कमेंट करके बताएं। पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है, यह कौन सा फिल्म का सॉन्ग है आप लोग बताएंगे। अब मैं अपनी चैनल की बहुत ही खास सिंगर एंकर और बहुत बड़ी लीडर उषा झा मैम से आग्रह करूंगा कि हमारे दर्शकों को एक बढ़िया सा बढ़िया गाना आप सुनाएं। उषा मैम जी। सर जस्ट ए मिनट सर। ओके तुरंत अभी सर मैं एक भजन सुना रही हूँ क्योंकि लेट हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। कौन कहता है भगवान आती नहीं मीरा की तरह, हम भुलाते नहीं मीरा की तरह, हम बुलाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। कौन कहता है भगवान खाते नहीं, कौन कहता है भगवान आते नहीं, बेर सबरी के जैसे खिलाते नहीं, बेर सबरी के जैसे खिलाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। कौन कहता है भगवान नाचते नहीं, गोपियों की तरह तुम नचाते नहीं, गोपियों की तरह तुम नचाते नहीं। अच्युतम केशवम
कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी बल्लवम। कौन कहता है, कौन कहता है भगवान सोते नहीं, माया शोदा के जैसे सुलाते नहीं, माया शोदा के जैसे सुलाते नहीं, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी बल्लवम राम नारायणम जानकी बल्लभम राम नारायणम जानकी बल्लभम। ओके सर, भजन आपको कैसा लगा? हमारे दर्शक लोग तो देख रहे हैं, भजन के बारे में भी कमेंट करें कि आपको कैसा भजन लगा उषा जी की आवाज में। अब हमारे साथ सागर साहब जुड़ चुके हैं, सागर गुप्ता जी, और मैं आग्रह करूंगा श्याम गुप्ता सर से, श्याम गुप्ता जी आप हमारे सर से सवाल करें। जी नमस्कार सागर जी, सुन पा रहे हैं गुप्ता जी? जी सर जी सर, सागर जी आवाज आ रहा है, सर आ रहा है। जी जी, अभी आपने अपनी बचपन की स्टोरी बताई, बहुत अच्छा लगा सुन के कि बहुत छोटे उम्र से आपको क्रेज था इंडस्ट्री में आने का। तो आप मुझे ये बताइए कि जो इंडस्ट्री में आपका जो पहला कदम कौन से सन में पड़ा, आप जो इंडस्ट्री में आए तो फर्स्ट टाइम जो आपकी एंट्री हुई तो उसके बारे में कुछ आपने बताइए। सर मैं 2012 से मेरी शुरुआत हो गई थी जी। और प्रयास तो बचपन से ही था, लेकिन कभी कोई ऐसा मतलब रास्ता ही नहीं मिला। मतलब पहले अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं कोई रास्ते ही नहीं थे, आज तो बहुत सारे रास्ते हैं, व्हाट्सएप है, फेसबुक है ना, कहीं ना कहीं जुड़ने का एक रास्ता है। हमारा जो उड़ई है बुंदेलखंड का एक ऐसा जगह है कि जहाँ बहुत सारी चीजें गुजरती ही नहीं है। मतलब बहुत बड़े बड़े जो भी ऑडिशंस वगैरह थे या जो भी कुछ भी होता था तो उसकी चीजें की जानकारी सिर्फ लखनऊ से मिल पाती थी, और लखनऊ एक आगे का काफी मतलब आगे का स्टेट है, जैसे कानपुर के बाद हमारे यहाँ लखनऊ या तो फिर ग्वालियर। तो यहाँ सबसे पहले आपका एक व्यक्ति होना चाहिए जो आपको जोड़ सके, आप ऐसे एकदम से जुड़ नहीं सकते ना, ऐसे आप कहाँ चले जाओगे। तो अपन का सफर भी इसी तरीके से चल रहा था, अपन सोच रहे थे कैसे हमें, पहली बात तो मैंने कभी जीवन में सोचा ही नहीं था कि मैं कभी इस लाइन में आ पाऊंगा। बचपन से मेरा सपना था या मैंने सोचा था, लेकिन मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि मेरा ये सपना कभी मतलब हकीकत भी बनेगा या ऐसा कुछ होगा भी। सिर्फ ये सोचा था कि हम बस फिल्म देखेंगे और फिल्म देख के ही मतलब हीरो को देख के ही संतुष्ट हो जाएंगे, उसमें ही अपनी जो भी खुशी है ढूंढ लेंगे, बस खत्म काम। तो ऐसा कुछ था नहीं कि कभी अपन इस लाइन में आएंगे, अपन को काम करने का कभी मौका भी मिलेगा। तो इसी तरीके से मैं अपने मतलब सफर पे चल रहा था। तो एक समय बाद, जैसे कहते हैं कि जहां चाय होती है वहां राह होती है, तो कहीं ना कहीं चाय में इतनी ताकत थी कि राह भी मिल गई। और वो राह कैसे मिली कि जैसे देखा जाए तो मैं मतलब एक चीजों से जुड़ता तो था, मैं कहीं ना कहीं चीजें मिलती तो थी लेकिन कहीं ना कहीं कनेक्शन नहीं हो पा रहा था। फिर ऐसे ही करके एक फेसबुक के जरिए ही मुझे एक शुरुआत करने का मौका मिला। पहले तो हमारे यहाँ रीजनल जो फिल्में हैं, हमारे यहाँ फिल्में जो रीजनल बनती थी, तो मुझे जो मालूम पड़ा कि 2008 और 2010 में कि ऐसा कुछ होता है, हमारे यहाँ भी हो रहा है, और छोटा ही सही लेकिन हमें लगता था अरे वाह इतना बड़ा काम हो गया, फिल्म का ट्रेलर देख लिया या पोस्टर देखा तो अरे फिल्म बन गई, ये कब बन गई। हमने कहा मुंबई तो इतना दूर है साला, मैं यहाँ अपने लोकल में ही मैं अपने आप को नहीं प्रेजेंट कर पा रहा हूँ, ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य था मेरे लिए कि मेरे बगल में काम हो गया या कोई फिल्म आ गई और मैं उसमें नहीं हूँ। तो मैं बड़ा दुखी होता था कि मतलब यहाँ कैसे मैं अपने आप को साबित करूं। तो फिर मैंने यहाँ पे कई सारी चीजों में कनेक्टिविटी ढूंढी, कहाँ से मैं जाऊं। तो मालूम ये पड़ा कि यहाँ पे एक मतलब एक जगह है जहाँ पे कुछ लोग काम कर रहे हैं, शुरुआत कर रहे हैं, ऐसे बहुत सारे सम्मानीय व्यक्ति जिनको मैं नमन करता हूँ, हमारे सकील बुंदेली जी और बुंदेलखंड की शान है वो,
तो वो यहाँ पे एक बहुत अच्छा काम कर रहे थे, बहुत अच्छी शुरुआत कर रहे थे। तो उनके माध्यम से मुझे मालूम पड़ा कि अजय सक्सेना जी हमारे यहाँ डायरेक्टर थे, उस समय बहुत अच्छा काम कर रहे थे, आज भी उनका काम बहुत अच्छा चल रहा है। उन्हीं के माध्यम से मुझे पहली फिल्म में ब्रेक मिला, जिसका नाम था आज की दुल्हन। लेकिन ये मेरा दुर्भाग्य कहिए या समय का दुर्भाग्य कहिए कि शुरू मतलब एक सीन मेरा हुआ और उसी सीन के साथ उस फिल्म का कहीं ना कहीं डिले होता गया और एक समय आने पर फिल्म वो बंद हो गई किसी कारण से, जो भी परिस्थितियां रही हो। तो वहां मुझे एक किरण दिखी थी और वो किरण कहीं ना कहीं फिर दब गई। फिर यहां से एफबी के जरिए मेरी एक मुलाकात हुई, एक हमारे मित्र हैं, बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आज जो राजस्थान में, तो उनसे मेरी मुलाकात हुई एफबी के जरिए। अच्छा, मैंने उनको ये बोल दिया कि मैं लोकल में 3-4-5 फिल्में कर चुका हूं। अच्छा, उन्होंने कहा रे वाह, तो उन्होंने मुझे यहाँ इन्विटेशन दे दिया कि सागर जी, क्योंकि मुझे लग रहा था कि मैं अगर वहां जाऊंगा फ्रेशर हूं या मुझे काम नहीं किया मैंने, तो वो पता नहीं किस तरीके से मुझे लेंगे या क्या मेरे लिए सोचेंगे और क्या देंगे मुझे, पता नहीं मुझे बुलाएंगे कि, मतलब एक डर तो था ना। तो मैंने कहीं ना कहीं उनसे झूठ बोल दिया, तो वो झूठ बोला और उसके बाद उन्होंने मुझे मौका दिया और मैं घर में बढ़िया से पैकिंग बना के एकदम बढ़िया बैग लेके तैयारी के साथ निकल गया। घर पे मैंने बोल दिया कि मैं कहीं ना कहीं, मैंने फिल्म के बारे में तो नहीं बताया क्योंकि पता नहीं क्या सोचेंगे और क्या कहेंगे, तो मैंने बैग लिया और एकदम से निकल गया। यहाँ पे एक बस जाती है जो डायरेक्ट कोटा के लिए जाती है, उसमें मैं बैठा, बैठ तो गया लेकिन अब माता पिताजी कोई तो साथ नहीं था ना, भैया थे कोई साथ नहीं थे, लेकिन कहीं ना कहीं खुद में डर भी था कि सागर भाई जा तो रहे हो तुम, मोबाइल ही है तुम्हारे पास 5-7 हजार का, उस समय तो 5-7 हजार का ही था, एक फोन है तुम्हारे पास और एक बैग है, कपड़े हैं। अच्छा, वहां पे कुछ गड़बड़ हो गया तो ये डर बड़ा भयानक लग रहा था। रास्ते भर चल रहा था और रात भर सफर किया कैसे भी, पहले तो मैं, क्योंकि मैं कभी इतना सफर नहीं किया था, पहली बार तो मैं बस में बैठा स्लीपर बस में और उसमें उन लोगों से डर रहा था जो अगल बगल बैठे, मैं रात भर सोया नहीं, रात भर जागता रहा यही सोच के कि कोई मेरे बैग में उंगली ना कर दे। तो इसी बीच में वहां पहुंचा और वहां पे पहले डरता रहा, बहुत डरा मैं, मुझे कल फिर ये लगा मैं पहुंच गया। सुबह रात को 3 बजे गाड़ी से उतार दिया उन्होंने हाईवे पर। अब मैंने कहा हाईवे उतार दिया, पता नहीं 3-4-5 लोग आएंगे और लेवा ले जाएंगे, पता नहीं किस मतलब गोदाम में बंद कर देंगे, पता नहीं पिटाई उटाई न रख दे, पैसा वैसा छिना ले, काम तो दूर की बात, मतलब बहुत डर लग रहा था। और चलो कहते हैं कि जब हमारे संस्कार अच्छे हों और हमारी नीयत अच्छी हो तो सब कुछ अच्छा होता है। और डरते डरते कैसे भी मैं, वो लोग भी मिल गए, उन्होंने भी ये बोल दिया कि तुम डायरेक्ट आ जाओ। तो वहां से मैं पैदल 2 किलोमीटर पैदल चला था उनके यहाँ तक पहुंचने, क्योंकि रात में वो बोल रहे थे इतने बजे तो हम आ नहीं पाएंगे। तो मैं रात में 2-3 किलोमीटर पैदल चला, मैं उनके रेजिडेंस पर पहुंचा, उन्होंने बुला के वहां से बढ़िया चाय वाय पिलाया। जब घर पे पहुंच के मम्मी पापा से उनके मिल लिए, तब सुकून मिला कि सागर भाई कहीं ना कहीं अब तुम फैमिली में तो हो, अब तुम पिटने की गंजाइश तो तुम्हारी खत्म हो गई, अब तुम पिटोगे नहीं। तो ऐसे करके फिर मैंने एक अच्छा प्रेजेंटेशन दिया और सच बताएं जहां मैं सपोर्टिंग कैरेक्टर करने गया था अपने कॉन्फिडेंस से, सच बोल रहा हूं आज, अपने खुद के कॉन्फिडेंस से वहां मैं सेकंड लीड कैरेक्टर करके आया। और बेहतरीन वहां के जो कलाकार थे उनको ये पता था, उनको ये पता चला कि उत्तर प्रदेश से एक सागर गुप्ता जी आ रहे हैं, एक्टर हैं और 3-4-5 फिल्में कर चुके हैं। अच्छा, ये तो मैं जानता था कि मैंने कभी कुछ काम ही नहीं किया, लेकिन उनको नहीं पता था। लेकिन वहां मेरा कॉन्फिडेंस एकदम 100 लेवल का था, क्योंकि वहां उन लोगों से फाइट करना था जहां वो मुझे जानते ही नहीं है। अपनों के साथ तो कभी डर लगता है कि वो हमें जानते हैं, इन्होंने काम कितना किया। तो ऐसा कि वहां पे एक छोटे से झूठ से हमारी शुरुआत हो गई, लेकिन मैं जीवन में आज तक कभी भी मैं झूठ नहीं बोला हूँ ना बोलता हूँ, फिल्म लाइन के लिए तो कभी नहीं बोलता हूँ। और झूठ से बनाया हुआ रास्ता ज्यादा दिन नहीं टिकता ऐसा लोग बोलते हैं, लेकिन शुरुआत हमारी कहीं ना कहीं, अब क्षमा चाहता हूँ, ऐसा हुआ। फिर वहां से कहीं ना कहीं फिर एक अच्छी मतलब, क्योंकि वहां बहुत सारी भीड़ भी आ गई थी, बहुत सारे लोग थे जो मेरा एक्शन देखने आए थे, एक्शन सिक्वल भी आया वहां पे। तो वो हमारी फिल्म थी एक कहानी ट्रिप 12 टू जंगल, कोटा से पहले 12 पड़ता है, 12 से हमारा पूरा शूट हुआ था
वहां पे बहुत अच्छा शानदार शूट हुआ, 15-16 दिन का हमारा शूट रहा वहां से, शानदार वहां से बहुत सारी शानदार सी टीम जोड़ के, अपनी बहुत सारी चीजें अपने आप को जोड़ के, अपना उत्तर प्रदेश जोड़ के उस जगह से मैं लौटा। सब लोगों ने मतलब बहुत अच्छे से लिया और ये भी कहा कि हम दोबारा मिलेंगे, और आज भी वो सारे लोग हमसे जुड़े हैं। और मुझे मतलब बहुत फक्र है कि वहां से हमारी शुरुआत हुई, आज भी राजस्थान मुझे याद आता है। तो ये हमारी सर शुरुआत है, और इसके बाद से फिर कहीं ना कहीं रीजनल में अपना काम मिला। हमारे यहाँ कुछ ऑडिशंस हुए, जिस ऑडिशंस में मैं गया तो मुझे यहाँ पे लोगों ने फिर मौका दिया कहीं ना कहीं। हमारे मिस्टर वली खान जी, जिनका अहम रोल है, बहुत ही अहम रोल हमारे लोकल में, जो हमारे सर हैं मुंबई में, उन्होंने बहुत सारा काम किया हुआ था, हमें मालूम पड़ा। हम उनसे मिले, उन्होंने हमें और हमारी जो भी, क्योंकि उन्होंने एक चीज बोली थी, सागर भाई हम लोग यहाँ काम कर रहे हैं, आपको हम क्या देंगे वो एक अलग बात है, बट यहाँ आपको एक टीम वर्क काम करना है। तो एज अ प्रोडक्शन मैनेजर मैं वहां पे रहा और वहां से बहुत कुछ सीखा, और वहीं से सीख के मैं निकल के आज उनके आशीर्वाद से हम तो जुड़वा भाई बॉलीवुड फिल्म है जो आज वेब सीरीज में डेवलप हो गई है, और ये बहुत जल्दी वेब सीरीज के किसी अच्छे प्लेटफॉर्म पर रिलीज होगी, हम तो जुड़वा भाई। तो ये करने के बाद कहीं ना कहीं यहाँ से एक बहुत अच्छी फीलिंग आई, क्योंकि उन्होंने एक पिता होता है वो हमारे डायरेक्टर है, उन्होंने इतने अच्छे तरीके से हमें कहीं ना कहीं नई जगह, अगर हम कहीं जाते हैं ना तो लगता कि हम कैसे एक्ट करें, क्योंकि हमने कभी एक्ट नहीं सीखा कहीं। हमारे यहाँ कोई भी, यहाँ पे कोई बहुत बड़ी संस्था नहीं थी कि जो एक्टिंग सिखाती हो। हम लोग उड़ी से बिलोंग करते हैं, बुंदेलखंड के एक बहुत छोटे से शहर से। यहाँ तो मतलब ये समझ लिए बॉलीवुड तो बहुत दूर था, यहाँ रीजनल ही कहीं ना कहीं हम लोग प्रयास करने लगे। एक बहुत अच्छी फिल्म हम लोगों ने तैयार की है जो बहुत जल्दी बहुत अच्छे एक वेब सीरीज पोर्टल पर, ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज करेंगे, और इसके बाद कहीं ना कहीं फिर शॉर्ट फिल्में और बहुत सारे कवर सॉन्ग जो यूट्यूब चैनल पर सागर गुप्ता उरई से आप डाल के आप सर्च कर सकते हैं। बहुत सारे मतलब हम लोगों ने यहाँ पे काम किया, शॉर्ट फिल्म से काम किया, फिर यहाँ से अब यहाँ कहीं ना कहीं एक विचार आया मेरे मन में कि अब क्या किया जाए। सागर भाई यहाँ आपका कहीं ना कहीं शुरुआत तो हो सकती है, लेकिन आपको बहुत ऊपर जाना है। आपके लिए घर में क्या कर रहे हो ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आपने साबित करना है बाहर, बाहर आप कैसे साबित करोगे। तो इसके बाद फिर कहीं ना कहीं एफबी पे ही हमारे मतलब सम्माननीय हमारे सर विजय तिवारी सर, जो सच में बहुत ही अच्छे इंसान हैं, एक रिपोर्टर भी हैं कहीं ना कहीं, और 10 साल से वो रिपोर्टर रहे हैं। उसके बाद उन्होंने उनसे हमारी बात हुई एफबी पर, तो एक फिल्म का उनका पोस्टर मैंने देखा, उसका नाम था शादी की कोचिंग। अरे मैंने कहा शादी की कोचिंग ये क्या बात हुई, एक अलग टाइप का कॉन्सेप्ट था, एक मतलब पोस्टर ही बहुत कुछ कह रहा था। तो मेरी जिज्ञासा और बढ़ गई, मैंने सोच लिया कि नहीं मुझे इसमें काम करना है, कैसे भी करना है, कुछ भी करना है। तो मैं जाके उनसे मैंने मतलब रिक्वेस्ट किया, उनका नंबर लिया, फिर मैंने उनसे बात की और रिक्वेस्ट करके, सर मुझे आपके कॉन्सेप्ट में काम करना है। तो उन्होंने कहा सागर भाई अच्छी बात है आप आए हो, लेकिन सागर भाई हमारी कास्टिंग पूरी हो गई है। हमने कहा अच्छा, हमने कहा कोई बात नहीं सर, और हमारा एक मानना रहा है सर कि लोगों से जुड़े रहिए, काम मिले ना मिले कोई बड़ी बात नहीं, लोग आपके साथ हैं तो काम तो हजारों आएंगे। तो ये मेरी सोच रही है, इसके जरिए सोच के जरिए मैं चलता जा रहा हूँ। काम मिले या ना मिले, लोगों से जुड़े रहिए, काम मिले या ना मिले, एक ना एक तो जरूर काम मिलेगा ही मिलेगा। बहुत अच्छा फॉर्मूला है सर, ये फॉर्मूला अपना ले तो काम हमेशा उनको मिलता ही रहेगा। जी सागर जी बोलिए, बोलिए सागर जी। इसके बाद सर विजय सर के साथ मैंने कई सारे, उसी फिल्म में मुझे काम भी मिला, कहीं ना कहीं उन्होंने मेरी लगन देखी, क्योंकि मैं उस दिन जो मेरी बात हुई तो 10:30 बजे रात का, और 10:30 बजे उन्होंने ये बोला कि सुबह 7:30 बजे आपको प्रेजेंट होना है ग्वालियर के अंदर। तो मैंने कहा ग्वालियर के अंदर 7:30 बजे मतलब पॉसिबल, हमने कहा चलो सर आते हैं हम। उन्होंने कहा कैसे आएंगे, तो हमने कहा आप उसका टेंशन मत लो, मैं कर लूंगा मैनेज, मुझे लेकिन मतलब आपसे मिलना है। तो मैं एकदम से मैं रात में ही मैं घर से निकल गया 12:30 बजे। यहाँ से गाड़ी है डायरेक्ट, तो ग्वालियर का कोई साधन था नहीं, मैं यहाँ से रात में गाड़ी चलती जो हमारी झांसी पहुंचाती है, झांसी से हमने फिर 3 घंटे में रात में स्टेशन पे लेटा, उसके बाद वहां से फिर मैं निकला ग्वालियर के लिए। और ग्वालियर निकलने के बाद मैंने उनकी जो लोकेशन थी, मैं 6:30 बजे ही पहुंच गया वहां पे,
6:30 पहुंच के मैंने उनको कॉल कर दी, सर मैं आ गया हूँ। कहे अरे वाह इतनी जल्दी आ गए। हमने कहा हाँ सर, और कहाँ पर आना है? तो उन्होंने मुझे लोकेशन बताया कि आपको यहाँ पर आना है। मैं उस गार्डन में पहुंच गया। उस गार्डन में पहुंचने के साथ मैंने मतलब 7 बजे ही आ गया, और कहीं ना कहीं एक कैरेक्टर मिसिंग था वहां पे। तो तिवारी सर ने एकदम से ये बोला कि सागर भाई एक काम करो, स्क्रिप्ट ले लो तुम। हमने कहा स्क्रिप्ट ले लें सर? हाँ स्क्रिप्ट ले लो, उसमें एक कैरेक्टर है उसको पकड़ो। हमने कहा अरे वाह। हम उस स्क्रिप्ट को देखने ही वाले थे, थोड़ा एक लाइन पढ़ी, इतने में वो कैरेक्टर आ गया। अब वो आया तो वो कहीं ना कहीं नर्वस हो गया। वो हमसे कह रहा सागर भाई ये कैसे करें? हमने कहा अरे हो जाएगा, बिंदास करो, बिंदास होगा और मस्त करोगे तुम। तो एकदम से वो कह रहा है अरे वाह। तो हमने उसको बताया कि मतलब ऐसे ऐसे करना है। कहीं ना कहीं वहां पे अगर मैं चाहता तो तिवारी जी ने मुझसे बोल दिया था, मैं चाहता तो वो बोल भी चुके थे आपको करना है। लेकिन मैंने कहा नहीं, मैं मुझे किसी का हक नहीं चाहिए, जो मुझे ईमानदारी से मिलेगा। अगर इतना सा भी कैरेक्टर मिला ना मुझे, मेरे लिए बहुत है। और मैं सच में वहां कैरेक्टर के लिए नहीं गया था, वो उनको भी मालूम था। तिवारी सर के साथ मैं रहा उनके डायरेक्शन में, उनके साथ कैमरे के पीछे खड़ा रहा और उनको देखता रहा वो कैसे काम कर रहे हैं, कैसे वो, क्योंकि एक अलग अनुभव था। वहां पे एक्टर संतोष याग्निक जी मिले, जो अभी लुका छुपी फिल्म में आए हैं, आपने शायद उनको नोटिस किया हो, एक अच्छे कैरेक्टर में दिखाई दिए हैं। तो वो भी वहां मुलाकात हुई, वो भी हमारे बुंदेलखंड से हैं। तो उसके उनके साथ फिर हम रहे और पूरा मतलब हम लोगों ने पूरा शूट कर लिया। रात को रात हो गई, 7:30-8 बज गया। उस समय एक छोटा सा सीन, अब तो अभी अच्छा सीन था, लेकिन कहीं ना कहीं वहां एक बढ़िया था जो हमें वहां मिला, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। संतोष सर के साथ मुझे काम करने का मौका मिला, उनके साथ मैं रहा उसमें, और एक एक्ट था बहुत अच्छा। उस एक्ट को करने के बाद जब मैं निकला तो एक एक जो बंदा था वहां वो उदास हो गया। तो विजय सर ने हमसे बोला कि एक बंदा उदास हुआ, क्योंकि एक डायलॉग और एक उसका जो क्रिएशन थी वो कहीं ना कहीं उन्होंने तोड़ दी। उन्होंने एक चीज देखी कि सागर गुप्ता में जो एनर्जी दिखी और जो मतलब डेडिकेशन दिखा, तो उनको लगा कि यार इस बंदे को कुछ ना कुछ तो देना चाहिए। तो उन्होंने हमें एक उसमें कैरेक्टर दिया, उस कैरेक्टर को प्ले किया। और शादी की कोचिंग आज मैं आपको बता दूं पॉकेट फिल्म पर डली हुई है, जो यूट्यूब चैनल का बहुत ही चर्चित चैनल है, उस पर हमारी फिल्म है शादी की कोचिंग। इसके बाद फिर कई सारे प्रोजेक्ट आए, जैसे पनिहाई है और प्रेशर मूवी, जो कहीं ना कहीं स्टूडेंट सोसाइटी पर आधारित है। और इसके बाद वाटर एक साजिश, जिसमें भी मैंने बहुत काफी अच्छा काम किया है। आप लोग वाटर एक साजिश को देख सकते हैं विजय तिवारी रिपोर्टर पर, जिसमें बहुत अच्छा कैरेक्टर है और बहुत अच्छी फिल्म भी है। तो वो फिल्म आपको मिल जाएगी, और 5 एपिसोड इसके बने हुए हैं, वो डले हुए हैं चैनल पर। इसके बाद फिर सफर और मेरा आगे बढ़ा, और धीरे धीरे मेरी एक सोच रही है, मैं हमेशा लोगों ने मुझे बहुत ज्यादा वो किया कि यार अरे यार सागर भाई कहाँ तुम फालतू में जाते रहते हो, कहीं यहाँ भागते हो वहां, क्या मिलता है तुम्हें? हमने कहा हमें क्या मिलता है, वो तो हमें पता है, हमें सुकून बहुत मिलता है। तो वो बोले कि ऐसे नहीं यार, छोटे छोटे कैरेक्टर मिलते हैं, पता नहीं पैसा ऐसा लगा के चले जाते हो तुम। तो हमने कहा यार चले जाते हैं भाई, ठीक है जीवन है, अभी शुरुआत है, कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों ने ऐसे ही काम किया होगा। एकदम से सारे लोग ना अमिताभ बच्चन बन जाते हैं ना शाहरुख खान, जीवन गुजर जाता है ना, जीवन गुजर जाता है लोगों का काम करते करते। तो इसी सोच के साथ हम आगे बढ़ रहे थे, फिर कहीं ना कहीं हमारी मुलाकात अनिल जी से हुई, अनिल राघव जी, जो दिल्ली में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, दिल्ली में एक बहुत चर्चित व्यक्ति हैं। तो उनसे मेरी मुलाकात भी अभी पर ही हुई, तो उनसे मेरी बात हुई, तो ऐसी हुआ तो उन्होंने कहा कि सागर जी आप आइए, और हमारा एक फिल्म बन रहा है उसमें डॉलर स्टाइल, मनोज लक्खी जी के साथ जो काम, मतलब मुझे नहीं पता था मनोज लक्खी जी उसमें काम कर रहे हैं, तो मुझे उसमें ऑफर मिला। तो मैं वहां पर समझ लीजिए रात में मैं निकला, रात भर सफर किया, यहाँ तक कि जहां मुझे पहुंचना था वहां मैं नहीं पहुंच पाया, मैं दूसरी जगह पहुंच गया, और वहां से फिर मुझे रात भी वहीं रुकनी पड़ी। और ऐसे करके मेरे 2 दिन गए, और 2 दिन जाने के बाद समझ लीजिए एक बंदा कोई मेरे साथ था, वो डिमोटिवेट हो गया उस समय, कहने लगा यार कहाँ फंसा दिया जाके। हमने कहा यार फंसा तो दिए हैं हम, अब फंसे तो हम भी हैं। हमने कहा अगर हम फंसे रात को, आपको खाना नहीं मिला तो हमको भी नहीं मिला, आप सर्दी में ऐसे आए तो हम भी तो आए हैं भैया। तो हमने कहा भाई ठीक है, सुबह देखते हैं क्या होता है, कुछ अच्छा ही होगा, अगर ईमानदारी अगर हमारे अंदर, हम लोगों ने कुछ अच्छा किया है, हमारा जो भी डेडिकेशन है वो अगर रियल में सच्चा है तो कुछ अच्छा ही होगा। और हमेशा जीवन में मैंने एक चीज देखी है कि हर व्यक्ति
और हर स्पॉट, यहां तक कि हर वो चीज आपको हर वो चीज सिखाती है। हमने हर चीज से सीखा है, यहां तक कि पौधों से भी सीखा है, कोहरे से भी बहुत कुछ सीखा है, एक रात से सीखा है कि अंधेरे का मजा क्या होता है। तो सीखना बहुत जरूरी है, तो हम जीवन भर सीखते हैं और सीखना चाहिए। ये मेरा मतलब मेरे परिवार में बहुत सारे लोग बोल देते हैं, कभी कभी मेरी दीदी भी बोल देती है कि क्या बुढ़ापे तक सीखते ही रहोगे, क्या पैसा कब कमाओगे। तो हमने कहा ठीक है, पैसा तो कमा लेंगे, लेकिन आप सीख रहे हैं तो सीखेंगे और हर व्यक्ति से सीखेंगे। तो वहां पे फिर सुबह में फिर हम पहुंचे एज ए लोकेशन पे पहुंच के, फिर हमने वहां पे बढ़िया सा सीन किया और मेरे साथ जो व्यक्ति थे उनको कैरेक्टर मिल गया। और मैं तब भी, वो विचलित हो रहे थे, घबरा रहे थे कि कैरेक्टर मिलेगा कि नहीं मिलेगा। उनको कैरेक्टर मिल गया तब भी मैं उदास नहीं था। मैंने सोचा अब मैं इसलिए खुश हो गया, मुझे मिले ना मिले चलेगा, आपको मिल गया मेरे लिए बस हो गया। क्योंकि आप कल के दिन आप जाओगे घर पे तो गाली तो नहीं दोगे कि सागर भाई कहां ले गए जितन साथ में। तो ऐसे करके वहां पे मनोज बख्शी जी के साथ काम करने का बहुत अच्छा मौका मिला, बहुत अच्छे अनुभव मिले वहां पे। पवन कुमार जी हैं आज, बहुत अच्छे उनसे संबंध है, प्रोड्यूसर हैं, डायरेक्टर हैं और राइटर भी हैं, जिनसे बहुत अच्छी ट्रेनिंग है, जो आगे बहुत सारी फिल्मों में हमें बोल रहे हैं कि अभी आपको बहुत सारी फिल्मों में काम करने का मौका मिलेगा। तो ऐसे करके और भी एक हमने हमारा एक आदित्य ओम जी हैं और आपके साउथ के बहुत ही चर्चित कलाकार हैं और डायरेक्टर हैं, जिनके साथ मेला फिल्म करने का हमें मौका मिला, जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल की फिल्म है, जो मतलब अभी बहुत जल्दी रिलीज होने वाली है, क्योंकि वो रिलीज नहीं करते हैं, उनका एक फंडा है, वो पहले अपने सारे जो भी मतलब जो भी कार्यक्रम होते हैं, जो भी फेस्टिवल्स होते हैं, उनमें ही वो प्ले करते हैं 1 से 2 साल, उसके बाद ही वो थिएटर में फिल्म को करते हैं। तो उस फिल्म में भी हमें मौका मिला। इसके बाद अभी प्रेजेंट में ही मैं गैंग्स ऑफ मानिकपुर, एक सूरज शुक्ला जी हैं हमारे, उनसे भी हमारे अभी रिलेशन हुए, बहुत ही अच्छे रिलेशन हुए हैं। और गैंग्स ऑफ मानिकपुर में हम बाबा मिश्रा के कैरेक्टर में आप सभी को नजर आएंगे, एक ताबड़तोल एक गैंगबार है, मतलब बहुत ही शानदार अभिनय करके आए हैं। और ये हमारा जो आप गमछा देख रहे हैं ना, ये गमछा हमारी फिल्म का ही है, पूरी फिल्म में हम इस गमछे के साथ ही दिखाई देंगे। और इसके बाद बहुत अच्छा अनुभव रहा, बहुत बड़े बड़े अच्छे अच्छे कल सर, ये गमछावा तो हमार बा। हाँ सर, वो जो गमछावा वो रहले जी सर, हमार हमार बा गुप्ता जी, आवाज कट रही है सर, सागर जी प्रॉपरली आ रही है, सुन पा रहे हैं? हाँ सागर जी, शिव प्रकाश गुप्ता जी कह रहे हैं कि वो गमछावा तो शिव प्रकाश गुप्ता जी का बा जो आपके पास बा। क्या बात है, सेम सेम, क्या बात है। आपके बारे में हम लोग जान रहे हैं, लेकिन हम लोग एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, क्योंकि ब्रेक के बाद फिर हम लोग मिलेंगे और बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल जारी रहेगा जी सर, बिल्कुल बिल्कुल। आने वाले साल को सलाम, जाने वाले साल को सलाम, नए साल का पहला जाम आपके नाम। देवियों सज्जनों नमस्कार, आदर अभिनंदन आदाब, मैं बॉलीवुड कलाकार श्री कृष्ण मिश्रा आप सभी को नमस्कार करता हूं और आने वाले नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। आपका जीवन खुशियों से भरा हो, आपकी हर कामनाएं पूरी हो, ऐसी मेरी प्रभु श्री राम से प्रार्थना है। जय श्री राम। वेलकम बैक माय फ्रेंड्स एंड माय गेस्ट। अब मैं उषा झा मैम से आग्रह करूंगा कि आगे का सवाल हमारे सर से आप करें। उषा झा मैम जी, सर आपके बातों को सुन के हमें लगा कि आपने दृढ़ संकल्प लेकर के अपने राहों पे चला है, और कभी आपने ये संकल्प लिया कि मैं कभी पीछे के नहीं देखूंगा, आगे बढ़ते गए, ये बहुत बड़ी उपलब्धियां हुई आपकी। सर मैं ये क्वेश्चन करना चाहती हूँ कि आपने कभी क्या टेलीविजन पर भी कोई शो में आपने काम किया है क्या, टेलीविजन पे, दूरदर्शन पे? क्या दूरदर्शन पे अभी काम नहीं किया है, अभी काम नहीं किया है, बट नेक्स्ट हमारा जो प्रोजेक्ट है, नेक्स्ट प्रोजेक्ट है
वो हमारा एक टेली मतलब टेलीविजन पर आने वाला है सीरियल आहुति एनएल पटेल जी का, एनएल पटेल जी का दूरदर्शन मध्य प्रदेश पर रात को 8 बजे मंगलवार को जो लाइव प्रसारण होने वाला है, उसमें मेरा कैरेक्टर आने वाला है बहुत जल्दी। और उसका शेड्यूल लगा ही था और मुझे गैंग्स ऑफ मानिकपुर का थोड़ा शूट मेरा था वहां पे, क्योंकि बहुत समय पहले डेट दी हुई थी उनको, तो इस वजह से क्योंकि मैं आहुति के सेट पर ही था और मैं शूट पर ही था और कहीं ना कहीं मैंने सच बोला वहां भी, मैंने वहां पे सच बोला कि सर सॉरी और मेरा शूट है, तो मुझे गैंग्स ऑफ मानिकपुर के लिए निकलना पड़ा। तो वहां पे अभी जो भी शेड्यूल आगे रहेगा तो उसमें मेरा शूट रहेगा वहां पे, तो आप लोग देख पाएंगे दूरदर्शन मध्य प्रदेश पर। ओके सर, क्या तो आपने कभी थिएटर या कार्यशाला वगैरह में भी भाग लिया क्या? थिएटर नहीं, नहीं थिएटर नहीं किया सॉरी। आपने कभी सुना है थिएटर? मैं हाँ 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 बिल्कुल बिल्कुल, और सभी से सभी को मैंने ऐसा नहीं है, और थिएटर करना चाहिए फिल्म लाइन के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं सीखने को मिलता है और सीखना चाहिए, और सीखते क्योंकि एक बहुत अच्छा माध्यम है वो मेरे हिसाब से, और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा रास्ता ही नहीं मिला कभी, और जी जी। लेकिन मैं खुद से सीखता हूँ, मैं एक रिक्शे वाले से भी सीखता हूँ, मैं एक रिक्शे वाले से सीखता हूँ, एक फल वाले से सीखता हूँ, अपने आसपास के लोगों से सीखता हूँ, और मैं हर किसी से बहुत कुछ सीखता हूँ, और सीखना चाहिए, सीखने से क्या है उसी को मैं अपने अंदर डालता हूँ। ये तो हकीकत है, ये तो हकीकत है, जब आप पोस्टर देख करके सीख गए, इतने बड़े स्टार बन गए, तो आप इंसान अरे नहीं जरूर सीखेंगे। बड़े स्टार नहीं है सर, बड़े स्टार बिल्कुल बहुत छोटे हैं सर। की मेरी भी वही आदत थी, मैं भी पढ़ने के जगह अपने सिनेमा हॉल जाता था, पैसे नहीं होते थे तो मैं पोस्टर देखता था, पोस्टर में सिर्फ हीरोइन को देखता था, इसलिए आज तक मैं एक्टर नहीं बन पाया। चलिए आपके सारे पार्ट लाइव में एक हीरोइन बैठी है सर, क्या नाम? बगल में मैंने बोला शिवप्रकाश जी की छड़ी पकड़ी गई है, पोस्टर में हीरोइन को देखने जाते थे, बताती हूँ भाभी को। मैं कहता था पहले कि मैं माधुरी दीक्षित से शादी करूंगा, मैं बोलता था कि मैं उर्मिला मातोंडकर से शादी करूंगा, यही सब ख्वाब देखते रहता था, मम्मी से बोलता था मैं, मम्मी हम ये लड़की से शादी करें, सब लोग हंसते थे, और उसमें बहुत मजा आता था, उस समय राम लखन वगैरह फिल्म जो थी काफी पॉपुलर थी उस समय, इसलिए बहुत अच्छा लगा। आगे मैं जानना चाहूंगा सर आपसे कि आपने कितनी फिल्मों में काम किए और पैसा उस फिल्म में से आपको नहीं अर्जित हुआ, बिना पैसे के कितने फिल्मों में काम किया? समथिंग शुरुआत मेरा जो 2 से 3 साल रहा, 4 साल, वो मेरा टोटल स्ट्रगल में गया। सच बताऊं तो मैंने कमाया तो छोड़ो, आप तो ये पूछो मैंने गवाया कितना जी। मैंने गवाया कितना, बहुत सारा पैसा गया है, और शुरुआत में कहीं ना कहीं कुछ एक दो प्रोजेक्टों में मैंने पैसा देके भी काम किया है, जो रियलिटी है। लेकिन मेरी एक सोच रही है सर कि जब आप किसी काबिल नहीं होते हैं, जब आप मतलब किसी काबिल नहीं रहते हैं, आप काबिल नहीं होते हैं, तो पहले मैं तो ये चाहता हूं पहले आपको देना चाहिए, जब तक आप देंगे नहीं, अपने आप को साबित नहीं करेंगे, तब तक आप मांगने के हकदार नहीं है सर, आपको मांगना नहीं चाहिए, आप अपने आप को उस लायक बना लो कि सला चीज हर चीज वो आपको मिले, और हर प्लेटफॉर्म पे आपको कुछ ना कुछ मिले, आप इतना अपने आप को मजबूत कर लो, इतना आप करके दिखा दो। तो इस इंडस्ट्री में दो चीजें सीखने को मिली सर, या तो बहुत बड़ा पैसा लगा के एक बड़ी फिल्म बना के हीरो बन जाओ, या फिर अनुभवों को ले लो, जीवन के अनुभवों को ले लो, सीखो और सीखते सीखते आगे बढ़ो, कामयाबी के साथ आप आगे बढ़ो। सर एक डायलॉग हमारे दर्शकों को सुनाया सर, अपनी फिल्म का जो बेहतरीन डायलॉग है उस डायलॉग को प्रस्तुत किया जाए।
डायलॉग कौन सा सुना दे, बहुत सारे डायलॉग कोई सा सुनाइए उनको एक सीक्वेंस दे दो डायलॉग का ताकि मेरे साथ डायलॉग करें जो बेस्ट डायलॉग सुन ले उसके बाद सिचुएशन में दूंगा। अब तक का जो बेस्ट आपने किया है वो बताइए, वो सुनाइए। सर मैंने तो हमेशा बेस्ट दिया है, ऑडियंस ने कहीं ना कहीं कमी रख दी। चलिए कोशिश करते हैं कुछ करने की। अपना नहीं, मैं पुराना नहीं सुना रहा हूँ, कुछ भी पुराना नहीं है, मैं एक नया क्रिएट कर दे रहा हूँ सर, है ना, कुछ भी नया क्रिएट करके दे रहा हूँ। बाबा के यहां आने से पहले एक बार सोच लेते, ऐसे खड़े हो गए आके जैसे कि बिल्कुल, एक बात बता दे रहा हूं, यहां आ तो गए हो अब जा नहीं पाएंगे, समझ रहे हो, चलो निकलो। बहुत बढ़िया सर। अब मैं एक छोटा सा डायलॉग मैं देना चाह रहा हूँ खुद से, कुछ नई क्रिएशन करके। अच्छा, तुमने मेरा प्यार तो कभी नहीं जाना, कितना चाहता था तुम्हें, पर तुम तो पैसों में ही भागते रहे, शायद पैसा ही तुम्हारी जिंदगी है क्या। और वैसे भी मैं भी कहां मोहब्बत किया तुमसे, तुम प्यार पैसों के लिए करती रही और मैं मोहब्बत के लिए। अब मैं एक सिचुएशन देता हूँ आप लोग सभी को। एक्चुअली क्या है कि ये गुप्ता जी हैं, जो हमारे सागर गुप्ता जी, ये टूथपेस्ट बना है, उस टूथपेस्ट को वो बेचने के लिए आए हैं, ठीक है। हम बेच लेंगे टूथपेस्ट को आप बेचने के लिए आए हैं। सबसे पहले अर्मिता जी के यहाँ गए, उसके बाद गुप्ता जी के यहाँ गए, उसके बाद इसके गुप्ता जी के यहाँ गए। आप कैसे बेचेंगे? हाँ, नया एक मिनट हाँ एक मिनट सर, टूथपेस्ट बेचना है। किसको बेचना है सर? तीनों को बेचना है, घर घर जा करके अभी नया मार्केट में लॉन्च हुआ। अच्छा अच्छा, उसके मार्केटिंग एजुकेटिव है, आप डोर टू डोर जा रहे हैं सेल्समैन, तो आप पहले गए गुप्ता जी के यहाँ, फिर सेकंड में गए गुप्ता जी के यहाँ, और सर और फिर थर्ड में गए एसके गुप्ता जी के यहाँ। पहले मीता जी के यहाँ गए हैं, तो मीता जी से आपकी क्या संवाद हो रही है, वार्तालाप हो रही है, उसको हम लोग सुनेंगे। फिर उषा जी के पास जब गए तो क्या वार्तालाप होगी वो सुनेंगे। फिर थर्ड में एसके गुप्ता जी के पास गए और आप लोग बीच में क्या वार्तालाप होगी वो हम लोग सुनेंगे, और हम लोग हमारे दर्शक लोग इंजॉय करें, सुने डायलॉग को और इंजॉय करें और शेयर करते जाए, जितना शेयर करेंगे लोग इंजॉय करते जाएंगे, हो सकता है उनके जीवन में अगर कुछ गम है तो कल के लिए वो हंसेंगे। जी बिल्कुल, स्टार्ट नाउ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मीता जी नमस्कार। नमस्कार मैम, मेरे पास एक मंजन है मैम, और मंजन ये वाला टूथपेस्ट है ऑन एंड ऑन हर्बल। तो मैम ये जो हमारा मंजन है, मैं आपको बता दूं, सबसे पहले तो मैं ये चीज और पूछना चाह रहा हूँ कि क्या आपके मतलब मसूड़ों में कोई दिक्कत है क्या? नहीं अभी तक तो नहीं हुई। या मुंह में बदबू आती हो?
ऐसा कुछ भी नहीं है, आप बताइए आपका कौन सा टूथपेस्ट है, मार्केट में नया लॉन्च हुआ क्या? अच्छा हाँ, ये नया लॉन्च हुआ है मैम, और एक्चुअली ये हमारा ऑन इन ऑन का हर्बल टूथपेस्ट है, और सच बताऊं मार्केट में जो भी आप ले रहे हो नो डाउट आप यूज करते होगे कोई ना कोई, है ना? तो इसमें खूबी क्या है मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं। तो मैं आपको बता दूं कि ये हमारा जो मंजन है मतलब बेस्ट मंजन है, ऐसा नहीं कि मैं बोल रहा हूं, कारण ये है कि जैसे आपके मसूड़ों में कहीं कोई भी दिक्कत होती हो, मतलब मसूड़ों में दिक्कत हो, दांत में दर्द होता हो, यहां तक कि आप देखिए ठंडे गर्म की भी शिकायत आपको, और मैं तो एक बात और कहूंगा, अगर आपको दिक्कत नहीं है, दिक्कत नहीं है, तो अगर आप इसको ले लोगे तो अगले साल दो साल तक दिक्कत ही नहीं होगी, रेगुलर लोगे तो कभी दिक्कत ही नहीं होगी मैम। ठीक है, ये क्या हर्बल है, प्योर हर्बल है, कोई जड़ी बूटी से बना हुआ है क्या? हाँ हाँ, 100% मैम हर्बल है, इसमें लिखा हुआ भी है, ये देखिए हर्बल है हमारा मंजन, आपको दिख रहा होगा। ओके, आपके पास कोई टेस्टर होगा जो मैं अभी यूज कर सकती हूँ? सर पेस्ट किसी का ना दिखाए, पेस्ट किसी का ना दिखाए आप। नीता मैम आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। पेस्ट नॉट अलाउड, किसी का मैंने आपके पास कोई पेस्ट का टेस्टर होगा तो मैं अभी यूज करके एक बार देख सकती हूँ, तभी मैं खरीदूंगी ना आपकी पेस्ट को, टूथपेस्ट को तभी खरीदूंगी। आपके पास आवाज है जो मैं आवाज मैम आपकी आवाज मेरे पास आपकी आवाज से पूरा क्लियर है मेरे पास अभी, ठीक है? कट कट के आ रही है मैम आपकी आवाज। हाँ आ रही है पूरा, हाँ वो अब आ रही है, बोलिए। हाँ मैंने कहा कि आपकी जो पेस्ट है, ये जो टूथपेस्ट है, इसके पास आपके पास कोई टेस्टर होगा जो अभी मैं यूज करके एक बार देख सकती हूँ? चले गए, नेटवर्क स्लो था, उनका नेटवर्क इशू होगा। हाँ नेटवर्क इशू है मैम। हाँ तो आपके पास कोई टेस्टर होगा जो मैं यूज करके एक बार देख सकती हूँ, तभी तो मैं आपकी पेस्ट खरीदूंगी ना। मैम फिर से रिपीट करिए, आवाज नहीं आ रहा आपका। मैंने ये कहा आपका जो न्यू टूथपेस्ट लॉन्च किया है, इसका कोई टेस्टर है आपके पास अभी जो मैं इसको एक बार देखकर तभी आपका पेस्ट खरीदूंगी? अच्छा क्या हो तब खरीदेंगे, टेस्ट करके? हाँ एक टेस्टर आता है पेस्ट का जो फ्री में दिया जाता है कि मैम आप पहले इसको यूज कीजिए, तब जाके आप आपको अच्छा लगे तो आप ये पेस्ट खरीदना। अच्छा एक बात बताइए मैम, आप जो टेलीविजन पर एड देखते हैं, ठीक है जी, तो जिसमें बड़े बड़े जो सेलिब्रिटी होते हैं वो बोलते हैं कि मतलब जो टूथपेस्ट है इसको आप यूज करिए, तो कहीं ना कहीं हम टीवी में एड देख कर ही तो उसको ले आते हैं, तो कभी वो तो ये बोलता नहीं कि आप पहले टेस्ट करो फिर लो, कहीं ना कहीं टाइम तो हमें पहली बार यूज ही करना पड़ेगा ना, आप पहली बार यूज करेंगे। नहीं मैं आपसे एक बात कहना चाह रहा हूँ कि आप इसको एक बार लीजिएगा, है ना? आप दो बातें होंगी, अच्छा लगेगा तो आप रेगुलर कर लोगे, अच्छा लगेगा तो बंद कर देना, खत्म हो गया। मैं बताना चाहता हूँ कि देखो सज्जनों, अगर आप हमारे गुप्ता साहब का पेस्ट लेंगे, टूथपेस्ट पैसा देके लेंगे तो दांत सलामत रहेगा, अगर फ्री में लेंगे तो दांत सब झड़ जाएगा। आवाज कट रही है सर। उषा मैम के आप गए हैं और उषा मैम पैकेट नहीं दिखाना है, उसके लिए आपको कोई कलम वगैरह दिखा सकते हैं, पैकेट नहीं, किसी कंपनी को नहीं दिखाना है। चलिए उषा मैम के आप गए, सुनाई दे रही है आवाज? चलिए आवाज दे रही है, हेलो, नेटवर्क स्लो है। उषा मैम से आग्रह मैं कर रहा हूँ कि उषा मैम कमेंट को पढ़ दिया जाए। उषा मैम जी, रिकेश महानामा जी ने लिखा है, वाह सागर जी, ओके थैंक यू रिकेश जी, थैंक यू
पंकज गुप्ता ने लिखा है सागर ये तो रियल में कर दिया। ओके बहुत अच्छा किए हैं सही में। एज एंटरटेनमेंट ने लिखा है पैसे और नाम दोनों चाहिए। ओके थैंक यू। सुरेश दुबे ने लिखा है नाइस प्रोग्राम। ओके दुबे जी थैंक यू। थैंक यू सुरेश जी थैंक यू। एज एंटरटेनमेंट ने लिखा है आपने टीवी में काम भी किया है। क्वेश्चन क्या इन्होंने। ओके पिंकी गुप्ता ने लिखा है बहुत आगे जाओ यही दुआ है ऊपर वाले से। ओके थैंक यू। पिंकी गुप्ता ने लिखा है सुपर से भी ऊपर। ओके थैंक यू पिंकी जी। पंकज गुप्ता ने लिखा है नाइस। ओके थैंक यू पंकज जी। एज एंटरटेनमेंट ने लिखा है सीखना बहुत जरूरी है। ओके थैंक यू। पंकज गुप्ता ने लिखा है बहुत बढ़िया सही जा रहे हो। ओके पंकज जी थैंक यू। एज एंटरटेनमेंट ने लिखा है एक्टिंग का मतलब सागर गुप्ता। ओके थैंक यू। पंच ने लिखा है गुड जॉब सागर जी। ओके ओके विजय मालवीय सर ने लिखा महाराष्ट्र से शिपका जी मीता मैडम उषा मैडम एस के गुप्ता जी और आज के मेहमान सागर जी सबको नमस्ते। नमस्कार आपको भी नमस्ते। नमस्कार 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 विजय जी। खजुराहो ने लिखा है सागर भैया जी अपुन भोते नू लग रहे लग रहे। ओपीजी एंटरटेनमेंट धनबाद ने लिखा है ग्रेट थॉट सागर जी। ओके थैंक यू। ओके पिंकी गुप्ता ने लिखा है पैसा भी जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल सही लिखा पिंकी जी आपने। ओके थैंक यू। रिकेश महानामा जी ने लिखा है वाह सागर जी बहुत सुंदर। ओके थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर कमेंट। बहुत अच्छा लगा कि हमारे दर्शक भाई लोग प्यारे प्यारे कमेंट कर रहे हैं और हम लोग अपनी छोटा सा ब्रेक लेते हैं और मिलते हैं ब्रेक के बाद। नमस्कार दिव्य सज्जनों मैं लुक लाइक अमिताभ विजय मालवे फ्रॉम महाराष्ट्र सभी देशवासियों को हमारी तरफ से नए साल की हार्दिक हार्दिक बधाई और हमारे चैनल की तरफ से जिसका नाम है एस पी जे एस जी इंटरटेनमेंट चैनल की तरफ से भी आपको ढेर सारी शुभकामनाएं नए साल धन्यवाद। वेलकम बैक माय फ्रेंड्स एंड माय गेस्ट। हमारे दर्शकों आप भी नया साल विश कर सकते हैं हमारे चैनल के माध्यम से। आप भी अपना मोबाइल को हॉरिजेंटल में रख करके वीडियो बनाएं नए साल पर और मुझे सेंड कर दें हमारे नंबर पर 8210325178 पर। तो हम अपने लाइव शो के दौरान नया साल विश करेंगे आपके माध्यम से पूरी दुनिया को। तो जो भी हमारे दर्शक देख रहे हैं अगर उनकी इच्छा है कि मैं भी विश करूं तो हमें जरूर कांटेक्ट करें और हमारे नंबर पे व्हाट्सएप करें और अपना वीडियो आज ही बनाएं जी। सागर साहब का नेटवर्क स्लो है और बहुत अच्छा लगा कि वो टूथपेस्ट बेच रहे हैं लेकिन मीता मैम बहुत चालाक थी उन्हें से पहले तो फ्री में मांग रही है। भैया आज के डेट में फ्री में कुछ भी नहीं मिलता तो फ्री का चीज में कुछ गड़बड़ ही होता है। जो घर पे आते पहले वो अपना फ्री टेस्टर लेके आते मैम लॉन्च करने की यही तरीका होता है सर। बिल्कुल टेस्टर आता है। गुप्ता जी आप अब टूथपेस्ट बेचिए। गुप्ता जी हाँ मेरे पास आ जाइए। आप टूथपेस्ट बेच रहे हैं यार हेयर ऑयल है। टूथपेस्ट आप बेच रहे हैं गुप्ता जी उस okay, जी के पास जाऊंगा टूथपेस्ट लेके।
या फिर बोलेंगे हमको फ्री में एक टेस्ट करने के लिए दीजिए, सब कंपनी वाले हमको घर से निकाल देगा, नहीं 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 नौकरी से निकाल देगा, बोलेगा तो सबको फ्री में बांट के आ जाता है तो पैसा कौन देगा, दिहाड़ी कहाँ से मिलेगा। नहीं टेस्ट बोला, टेस्ट इतना सा होता है, इतना सा। चलिए स्टार्ट करें। अभी नया कंपनी ना टेस्टर अवेलेबल नहीं है, बनी होना चाहिए जितना कॉमेडी कर सकते उसा में, जितना कॉमेडी हो सकता है कॉमेडी बनाए, और इसको पूरा कॉमेडी बनाना है इसको। जी बिल्कुल जी, ठीक है, ओके रेडी जी, यस जी। पहले घर पे जा रहा हूँ, इनका गेट बंद है, बेल बजाऊंगा, गेट खोलूंगी, ठीक है, फिर बाहर निकलेंगे, फिर बात करेंगे। यस, मैंने भी नोट किया था पहले ये बात जी। डिंग डोंग, डिंग डोंग, किसके घर? मेरे घर। अरे कौन है बाबा, दिन भर टिंग टोंग टिंग टोंग टिंग टोंग, खोलती हूँ खोलती हूँ। क्या है भैया, क्या बात है? नमस्कार नमस्कार मैम, नमस्कार। मेरा नाम अक्षय गुप्ता है जी, मेरा नाम अक्षय गुप्ता है जी। मैम क्या बात है, बहुत अच्छी लग रही है, नाइस, आपकी चश्मा बहुत अच्छा है मैम। अरे चूना लगाने आए हो क्या? नहीं नहीं लगाने आए हो क्या? नहीं नहीं मैम, मैं सेल्समैन हूँ मैम, मैं सेल्समैन हूँ, ठीक है मैम। पहले तो एक गिलास पानी दीजिए मुझे जी, एक गिलास पानी मिलेगा? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन जी मैम चलो एक गिलास, ठीक है मैं ले आती हूँ, लो पियो जी। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू मैम, थैंक यू बहुत अच्छा संस्कार है आपके जी। मैं एक सेल्समैन हूँ और हाँ मेरे कंपनी एक प्रोडक्ट लॉन्च किया है, और हाँ जी जी, और दत्तमंजन है, दत्तमंजन बनाती है कंपनी, और हर्बल है प्योर जी। आप देखना चाहें मैं आपको प्रोडक्ट दिखाता हूँ जी, बिल्कुल देखिए ये प्रोडक्ट है मैम, और पूरा हर्बल है जी। इसका फायदा ये है कि जिनको पैरिया की शिकायत होती है, अगर हम ये टूथपेस्ट कंटिन्यू यूज करते हैं तो उनको पैरिया की प्रॉब्लम नहीं होगी, और मसूड़ों में कभी दर्द नहीं होगा, मसूड़ों से ब्लड नहीं आएंगी, और कभी बदबू नहीं आएगा, ठीक है। तो अच्छा, अभी अच्छा। जी अभी नया कंपनी है, और आपको टीवी पे इनकी ऐड नहीं मिलेगा, दूर दूर दूर, रोज रोज कोई ना कोई ये कंपनी वो कंपनी वो कंपनी, मैं तंग आ गई हूँ इससे मैम। इनकी प्राइस बहुत अच्छी मैम, जी जी बोलिए, प्राइस बहुत कम है, प्राइस बहुत कम है मैम। आप एक आप अगर मार्केट से एक मंजन कितने का लेके आते हैं आप उनको बताइए, 100 ग्राम का मंजन कितने का लेके आते हैं? कम से कम आपको 50 से 60 रुपए पे करना होता है 100 ग्राम का, और ये पूरा 200 ग्राम का पैकेज है मैम, पूरा 200 ग्राम का ओनली 30 रुपीज में दे रहे हैं हमारी कंपनी। बाबा अरे बाबा भाई मुझे छोड़ो, मैं तो पक गई हूँ ये सब सुन सुन के, लिपस्टिक है ना, ये लिपस्टिक है ना, बहुत अच्छा लिपस्टिक है, सारे लिपस्टिक में मैं ठगा गई हूँ ठगा गई हूँ, सभी यही कहते हैं इतने अच्छे लिपस्टिक है ले लो बहन ले लो, लेकिन मैंने देखा उस वक्त तो ठीक लगा, बाद में तो देखती हूँ इतना छी 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 पानी उससे निकल रहा है, इतना गंदा। मैं इस डब्बे से आपको चेक करा सकता हूँ, यही डब्बा आपको परचेज करना है, और ये डब्बा हम खोल करके आपको दे रहे हैं, आप एक बार इसको टेस्ट करिए और फिर खरीदिए, आप इसके साथ एक फ्री भी आपको मिल रहा है, लो रसगुल्ले खा लो और ये पानी पी लो, और भाई मेरा जाल छोड़ दो, मैं तो डर लग गया मुझे ये सब लेना है या नहीं लेना है मुझे पता नहीं। आप प्लीज 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 देखिए आप बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे संस्कार हैं आपके, और मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि सुबह से मैंने कुछ भी सेल नहीं किया है, और मुझे घर भी जाना है, मुझे कंपनी को एक टारगेट भी देना होता है, प्लीज मैम आप मेरा टूथपेस्ट खरीद लीजिए, इसके साथ एक फ्री भी मैं आपको दे रहे हैं, ऑफर में दे रहे हैं, अगर आपको अच्छा नहीं लगता है तो आप वापस कर दीजिएगा, मैं अपना कॉन्टेक्ट नंबर भी देके जाऊंगा, और मुझे उम्मीद है कि आप इतनी ब्यूटीफुल लेडी हैं आप मुझे मना नहीं करेंगी, सो प्लीज मैम प्लीज प्लीज
आप इसको लीजिए, इसके साथ एक आपको फ्री हम दे रहे हैं, मेरी कंपनी का ऑफर है, प्लीज मैम रिक्वेस्ट है, प्लीज देखो आप बहुत अच्छी हैं, और मैं जानता हूँ आप मना नहीं करेंगी, आप मना नहीं करेंगी, देखो बहुत अच्छी लेडी है, आप मना नहीं करेंगी, कुछ और है और ओरिजिनल कुछ मतलब कुछ और है, पैक कुछ और है। मैं तो कितनी जगह ठगा गई हूँ, मेरे तो मेरे तो डंडे पड़ेंगे, डंडे मेरे मेरे को घर में। अभी तो लोग सभी ऑफिस गए हुए हैं बेटा मेरा, और प्लीज 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 देखिए मैं सुबह से कुछ नहीं खाया हूँ, प्लीज 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 आपसे प्रार्थना करती हूँ भैया, मुझे तो नहीं चाहिए, टेस्टर चाहिए ना मुझे, टेस्ट चाहिए। अरे बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत फनी, बहुत बढ़िया। चलिए पेस्ट पेस्ट बिक जाएगा। गुप्ता जी आपका वो काबिलियत है, लेकिन उषा मैम जैसा अड़ियल जो है कस्टमर है, किसी और के पास जाएगा जरूर बिकेगा। जी मैं ठगाई हूँ, रियल रियल लाइफ में भी ठगाई हूँ। मीता जी खरीद लेती है, मीता जी खरीद लेती है, इसमें मेरे को एक्सपीरियंस हो गया है इसका। आपको खरीद लग चलिए सागर जी जुड़ चुके हैं, सागर जी जुड़ चुके हैं। अब मीता जी से मैं आग्रह करूंगा कि मीता जी कोई सवाल है सागर जी से पूछने के लिए तो आप पूछ सकती हैं। मीता जी 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 सर जी सर हेलो सागर जी हेलो जी जी मैम बोलिए। हाँ आपने अभी तक हिंदी फिल्म किया है तो कितना किया है, हिंदी मूवी किया है आपने कभी, अभी तक हिंदी मूवी किया है बॉलीवुड की? हिंदी फिल्म ही है, सब हिंदी फिल्म है, ठीक है ना। बॉलीवुड में से आप उसमें हाँ? आपको आइडल कौन, आपके आइडल कौन है इंडस्ट्री में, किसको आप आइडल हाँ? मानते हैं? हेलो हाँ, सबसे मतलब देखा जाए तो मेरी पसंद तो वैसे अजय देवगन रहे हैं, और ठीक है काफी सारे एक्टर्स हैं जिनको मैं लाइक करता हूँ। बट मैं आपको एक बात और बताना चाह रहा हूँ कि मैं किसी का फैन नहीं हूँ, ठीक है मैं खुद का फैन हूँ, बस यही सुनना था मुझे। बहुत सबके फैन है, बहुत। और नेक्स्ट सवाल किया जाए, और दूसरी चीज बॉलीवुड में मेरे चार प्रोजेक्ट है जो रनिंग है अभी, और 2023 में 2 से 3 प्रोजेक्ट हमारे आ जाएंगे, और चैनल के माध्यम से हम अपने जो भी दर्शक हैं उनको एक चीज और बताना चाह रहा हूँ कि आगामी जो हमारे कॉन्सेप्ट है, कुछ कॉन्सेप्ट और हमें मिले हैं आप सबकी दुआओं से, आशीर्वाद से, जैसे कि वनवास, जैसे एजेलाइक आश्रम, ऐसी वनवास करके एक कॉन्सेप्ट भी आने वाला है आपने है, और एक और कॉन्सेप्ट है जो अभी हम गैंग्स ऑफ मानिकपुर करके आए हैं, उसका सेकेंड जो सीजन रहेगा वो भी मेरे पास है, सेकेंड सीजन भी मेरे पास है, और इसके साथ में इश्क बनारस ये कॉन्सेप्ट भी हाथ में है, और कुछ समय बाद बहुत जल्दी शूट होगा। गैंग्स ऑफ मानिकपुर में आपका रोल था, किस तरह का रोल है? हमारा रोल है एक शांत व्यक्ति जो कहीं ना कहीं एक गैंगवार में है, और जो विधायक जी है उनके हिसाब से पहले काम करता है, फिर अपनी खुद की छवि बनाता है, और अपने आप को मानिकपुर में स्थापित और अपने आप को एक पॉलिटिशियन बनाना चाहता है, कहीं ना कहीं ऐसे हालातों से गुजरते हुए निकलता है बाबा मिश्रा, और बाबा मिश्रा एक अलग तरह का व्यक्ति है, सागर गुप्ता तो बिल्कुल नहीं है बाबर मिश्रा, और बाबा मिश्रा एकदम अलग है, उसका उठने बैठने का तरीका अलग है, और वो बात कैसे करता है वो अलग है, कैसे मारता है गाली, सॉरी एक्चुअली टोटल जो कॉन्सेप्ट है वो टोटल बहुत सारी गालियां सुनने को मिलेंगी फिल्म में, क्योंकि आजकल जो ट्रेंड चल रहा है फिल्म में, और भी कुछ यूनिक चीजें उसमें हमने करने की कोशिश की है, मतलब कोशिश की है
कुछ जो अन्याय जो मैं चाहता था, बहुत सारे अनुभव ऐसे हैं कि कहीं ना कहीं मैं खुद चाहता हूं कि मैं कुछ करूं, बट होता क्या है कि कभी कभी कोई डायरेक्टर है या कभी कैसा भी प्रोजेक्ट है, हमें प्रोजेक्ट के हिसाब से ही रहना पड़ता है। हमें जो भी प्रोजेक्ट मिलता है, प्रोजेक्ट की कुछ गाइडलाइंस होती है कि आपको ऐसे ही करना है, आपको अपना कुछ नहीं करना है, आपको अपना नहीं करना है, आपको जो कैरेक्टर दिया गया है आपको उस कैरेक्टर के को ही जीना है। सीधी बात, आपका पर्सनल लाइफ या पर्सनल चीजें या पर्सनल कैरेक्टर नहीं चाहिए उन्हें। तो और आगामी कनोज जी मिश्रा जी हमारे साथ जुड़े हैं, वो भी बहुत बहुचर्चित डायरेक्टर हैं, और राम की जन्मभूमि, गांधीगिरी और श्रीनगर, दिल और कई सारे प्रोजेक्ट हैं उनके जो मार्केट में हैं, बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं, तो उनके साथ भी आगे चल के हम काम करेंगे। और बाकी आप सबके आशीर्वाद से बहुत सारा काम जुड़ रहा है, मिल रहा है, बाकी प्रयास जारी है। जी बहुत प्रयास। सर आपके फैमिली में और कौन है जो इस क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, फिल्मी क्षेत्र से? क्या सर थोड़ा सा फिर से बोलिए तेज। आपके फैमिली में और कौन कौन है जो फिल्म के क्षेत्र से बिलोंग करते हैं? फैमिली कौन, फैमिली कौन 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 लोग हैं जो जुड़े हुए हैं फिल्म क्षेत्र में, और कौन कौन काम करते हैं आपके फैमिली से? कलीग, अपने में, अपनों में। आपकी आवाज समझ नहीं आ रही। गुप्ता जी आप रिपीट करें। एसके गुप्ता जी प्रॉपर आवाज नहीं आ रहा है। सागर जी सुन पा रहे हैं आप मुझे? हाँ अभी आ रही है, अभी आ रही है सर। शिव प्रकाश गुप्ता जी आपसे पूछ रहे हैं कि आपके आपके फैमिली में और भी कोई व्यक्ति हैं जो फिल्म क्षेत्र से जुड़े हुए हैं? सर फैमिली तो छोड़िए, हमारे गांव से भी कोई व्यक्ति ऐसा नहीं, हमारी पूरी रिलेशन में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जो कभी भी फिल्म लाइन से कोई जुड़ा हो। और सच बताऊं तो मेरे जो भी काम है वो कभी किसी को राशि नहीं आते, सबके लिए मतलब जी बिल्कुल बिल्कुल, मतलब कोई भी नहीं है ऐसा जो है किसी को रास नहीं आती है। एक व्यक्ति थे, एक लड़का है जो फिल्म में काम करता है, उसको लड़की वाले देखने आए तो पूछा गया कि बेटा आप क्या करते हो? तो बोले कि मैं फिल्म में काम करता हूँ। अच्छा फिल्म में काम करते हो लेकिन आप क्या करते हो? बोला मैं फिल्म में काम करता हूँ। अरे भैया मैं तो जान फिल्म में काम करता हूँ लेकिन करते क्या हो? मतलब फिल्म में वो बार बार कह रहा है कि मैं काम करता हूँ लेकिन तो तवज्जो नहीं दिया जा रहा है, फिल्म में काम करने को तवज्जो नहीं दिया जा रहा है, इम्पोर्टेंस नहीं दिया जा रहा है। तो ऐसा है आप फिल्म में काम, सबसे बड़ी बात सर, सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ी बात पैसा, पैसा। लोगों को ये कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप करते क्या हो, आप धन कितना लाते ये फर्क पड़ता है। लोगों को पैसे, पैसा पैसा ही करता है पूरा काम लोगों की नजर में, मतलब जो पैसा कमा रहा है वो संपन्न है। जी जी, नाम अगर मैं कुछ सील या मतलब कोई भी ट्रॉफी लेके आता हूँ ना घर में सर, तो मतलब लोगों को एक वो रहता कि किया क्या, मतलब क्या करने का मतलब कि पैसा कितना हो रहा है ये बता, फिल्म क्या किया वो छोड़। ना बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा रुपया, अगर आप किसी कार्य को करते हैं और आपको उससे पैसे नहीं अर्जित होते हैं तो उसका कोई इम्पोर्टेंस परिवार वाले नहीं देते, चाहे आप कितना भी अच्छा काम क्यों ना कर लो। ठीक है यही है। और सर मैं कुछ बताना चाहता हूँ सर कि आप बताएं आपको किस तरह के व्यंजन ज्यादा पसंद है, वेज या नॉन वेज? और बाकी सर आपके चैनल के माध्यम से एक बात और कहना चाह रहा हूँ, अपने जो भी दर्शक हैं, जो भी शिक्षक हैं, हमारे सारे जुड़े हैं, रिलेटिव भी जुड़े होंगे बहुत सारे, तो ऐसा नहीं कि सारे हमारे जो भी रिलेटिव हैं वो मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं, मेरी फैमिली बहुत सपोर्ट करती है, और मेरी माँ तो मुझे बहुत सपोर्ट करती है। कहीं ना कहीं धीमी धीमी आंखों में उनका सपोर्ट देखता हूँ, मतलब हो सकता है अपने मुंह से ना कह पाए लेकिन माँ होती है जो समझती है, बच्चे को समझती है, बच्चे के दर्द को समझती है,
कि बच्चे ने क्या किया, लेकिन हाँ मैं आपको एक बात और बता दे रहा हूँ कि ऊपर वाले का सब दुआ है, आप सबका आशीर्वाद है सारे लोगों का, कि मैं जब से होश संभाला हूँ मैं घर से एक भी रुपए नहीं लेता हूँ। तो लोगों को ये भी ये बात समझ लेनी चाहिए कि मैं कहीं नहीं, लोगों को ये बात समझ लेनी चाहिए कि जब मैं पैसा नहीं ले रहा हूँ तो कहीं ना कहीं मैं पैसा कमा रहा हूँ, या कहीं ना कहीं मेरा ऐसा नहीं है मैं खो जाऊंगा, मैं आत्महत्या करने वालों में से नहीं हूँ, ये बात भी मैं क्लियर कर दे रहा हूँ, मैं आत्महत्या नहीं करूंगा। मैं कितनी भी बड़ी मुसीबत से गुजर जाऊं, कितना भी कुछ पहाड़ फला पूरा धरती खत्म हो जाए, मतलब सागर गुप्ता खत्म होने वाला नहीं है, गिरेगा संभलेगा उठेगा फिर चलेगा, चलेगा नहीं दौड़ेगा। सागर जी आपकी शादी हो गई है? सागर आपका गर्लफ्रेंड है? और दूसरी चीज सागर, सागर आप शिव जी की बात सुनिए, आप मैरिड हो? जी मैम, मैरिड हो? अरे शादी आप कर लिए सर जी? सागर आवाज सही आ रही है, कट रहा है आपका आवाज। हाँ मैम, सागर जी सुन पा रहे हैं? जी 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 सर, जी सर जी। हाँ सर बोलिए। पूछा जा रहा है क्या आपने शादी कर लिया है? अच्छा कभी पहले विचार बना था कि शादी करना है, बट अब नहीं करना है, अभी ऐसा कोई मूड नहीं है सर। अभी एक्चुअली क्या है कि शादी अभी तो मैं खुद कहीं ना कहीं मैं खुद किसी घर में किसी या किसी मतलब अभी मैं खुद से आर्थिक रूप से कमजोर हूँ, कहीं ना कहीं परिवार में रह रहा हूँ। जब तक मैं खुद का अपना वजूद नहीं बना लेता ना सर, जब तक खुद का वजूद नहीं बनाऊंगा और जब तक इतना रुपए नहीं कर लूंगा, क्योंकि एक लड़की भी कहीं ना कहीं बहुत सारे सपने देखती है जीवन में, तो नाम आपने क्या कमाया, ट्रॉफी क्या कमाई, वो मायने नहीं रखता। और लड़की आज की लड़कियों का क्या मतलब, जो भी लड़कियां हैं उनका बहुत सारे सपने हैं, तो कहीं ना कहीं हमें अपना सपना पूरा करना है सर, हमें आगे बढ़ना और मुझे पैसा बहुत कमाना है सर। मैंने वो रास्ते भी मतलब कहीं ना कहीं मैं जुड़ गया हूँ रास्ते से, फिल्म लाइन एक अलग है, लेकिन पैसा भी मैं कहीं ना कहीं से अपना ऐसा काम करके जाऊंगा कि पैसा बहुत सारा आएगा सर, बहुत सारा पैसा आएगा। तो लोगों को पैसे के लिए हम परेशान होने की जरूरत नहीं है, दर्द हमारा है, दुआ है हमारे पूरे टीम की ओर से दुआ है। सर आप यह बताएं कि आपको खाना में किस तरह का खाना ज्यादा पसंद है, वेज या नॉन वेज? सर चले गए सोसाइटी समाप्ति की ओर है, अब मैं बहुत शुक्रगुजार हूं कि जी सर आवाज हमें बोलिए, आपकी आवाज कट रही है सर। सागर जी आवाज आ रही है? आखिरी में एक सर, आखिरी में एक सॉन्ग मैं गाना चाह रहा हूँ, अगर आपका समाप्ति का ओर जा रहा है क्योंकि समय बहुत हो गया है, जी एक सॉन्ग चाह रहा हूँ सुन। आपकी आपका आदेश होता है सर। जी 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 हंसते हंसते कट जाए रसते, जिंदगी यो ही चलते रहे, खुशी ले लिया गम बदलेंगे ना हम, दुनिया चाहे बदलते रहे, हंसते हंसते कट जाए रसते, जिंदगी यो। सबका नेटवर्क स्लो था लेकिन बहुत बढ़िया उन्होंने लास्ट गाना गाया, हंसते हंसते कट जाए रास्ते, जिंदगी यूं ही चलती रहे, तो बहुत अच्छा लगा। और मुझे बहुत खुशी है कि हमारे साथ हमारे सर जो है अपना बहुमूल्य समय दिए, उषा मैम अपना बहुमूल्य समय हमारे चैनल को दी, मीता जी हम अपना बहुमूल्य समय हमारे चैनल को देती है, कैसे गुप्ता जी वो भी अपना बहुमूल्य समय हमारे चैनल को देते हैं, इसके लिए विशेष रूप से समय निकालते हैं, तो इसके लिए मैं कोटि कोटि उन्हें धन्यवाद देता हूं। और मैं चाहता हूं कि इसी तरह से हमारे चैनल को त्याग करते रहें और अपना बहुमूल्य समय देते रहें। और सागर जी जुड़ गए हैं तो एक सवाल बनता है, सागर साहब आपको एसपीजेएसडी एंटरटेनमेंट यूट्यूब चैनल के बारे में कैसे पता चला?
और सर मैं एक हमारा यूट्यूब यहाँ पे जो व्हाट्सएप ग्रुप है तो जिसका नाम है महाराजा अग्रसेन, तो उसमें जो उसके ऑनर है उसके जो संस्थापक है वो है अपने गिरजा शंकर जी अग्रवाल, तो वो उनके माध्यम से हमें चैनल में हम जुड़े थे उनके, तो कहीं ना कहीं ओम प्रकाश सर का उसमें जो भी मैसेज आते रहते हैं तो कहीं ना कहीं हम एक दूसरे से कनेक्ट हुए और धीरे धीरे फिर कहीं ना कहीं उन्होंने मुझे इसके बारे में बताया, बोला कि मैं आपका सर इंटरव्यू लेना चाह रहा हूँ, तो मैंने कहा सर मुझे तो बहुत खुशी होगी कि कहीं ना कहीं मुझे एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे आने का मौका मिले जो बिहार और झारखंड का बहुत ही बहुचर्चित और बहुत ही शानदार प्लेटफॉर्म है, और सच में बहुत ही अच्छा अनुभव रहा और बहुत अच्छी जिनके माध्यम से सबको हमारे चैनल के बारे में जानकारियां मिली और ये ओम प्रकाश जी से कॉन्टेक्ट भी किए। सर आज समय समाप्त हो रहे हैं और आप हमारे चैनल पे आए, हमारा चैनल का सौभाग्य है कि आप हमारे चैनल पे आए, और सर जाते जाते आप हमारे दर्शकों को क्या मैसेज देना चाहते हैं सर? दर्शकों को यही मैसेज देना चाहेंगे, सबसे पहले तो दर्शकों को बोलने से पहले मैं अपने सभी शुभचिंतक जो भी हमारे दोस्त हैं रिश्तेदार हैं जो भी हमारे मिलने वाले हैं सभी को मैं प्रणाम करता हूं और सभी को बोलता हूं कि आप जैसे मेरा सपोर्ट करते आए हैं वैसे ही सपोर्ट करते रहिए, वही हमारी सबसे बड़ी ताकत है, वही सबसे बड़ा प्यार है, और जो भी मुझसे जो भी मतलब जो भी टूटी हुई है उसके लिए क्षमा करें अगर जाने अनजाने मैंने कभी कुछ बोला उनके लिए। और दूसरी चीज सर आपका जो चैनल है मैं सभी को बोलना चाहूंगा कि जो भी हमारे दर्शक हैं तो एक शानदार ये प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे एक बहुत बड़ा मौका है, आप अपने टैलेंट को यहाँ पे रखिए और आप यहाँ से जुड़िए क्योंकि बहुत ही महान हस्तियां यहाँ पर हैं, बहुत ही शानदार उषा जी हैं, नीता जी हैं और एस के गुप्ता जी हैं और हमारे श्री प्रकाश गुप्ता जी हैं, बहुत ही शानदार सारे पर्सन बहुत ही शानदार है और सबका एक बहुत अच्छा अनुभव है, और स्वर्ग वो कोकला जी है जो वंदन करती है शुरुआत में तो वो बहुत ही शानदार अनुभव है, तो उनसे जुड़े और ये बहुत ही शानदार अपॉर्चुनिटी है, इसका स्वीकार करें और आगे लोगों को भी शेयर करें, बहुत अच्छी पहल है, बहुत शानदार पहल है। सर नए साल के अवसर पे आप हमारे दर्शकों को कैसे बधाई देना चाहते हैं? आवाज नहीं आ रही सर, हेलो। नए साल के अवसर पर आप हमारे दर्शकों को क्या मैसेज देना चाहते हैं नए साल के लिए, किस तरह से बधाइयां देना चाहते हैं? बधाइयां। अच्छा, नए साल के लिए सबको हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं बधाई, और मैं तो ये कहूंगा कि अगर हम एक छोटी सी गलती को ना दोहराएं इस नए साल में तो नए साल के लिए और हमारे अपनों के लिए बहुत अच्छी सीख रहेगी, बहुत अच्छी मतलब वो रहेगी, और सबसे बड़ी बात नए साल में हम कुछ तो त्यागें, पीते हैं वो सिगरेट त्याग दें, जो गुटखा खाते हैं गुटखा त्याग दें, जो भी ऐसी चीज जो जिससे दूसरों को समस्या होती हो तो ऐसी चीजें त्याग दें, और नए साल की सभी दर्शकों को हमारे SPJSD एंटरटेनमेंट के सभी दर्शकों को ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई। थैंक यू, बहुत बढ़िया सर, आपसे मिलकर के हमारा चैनल के सभी दर्शक लोग खुश हो गए हैं, बाग बाग हो गए हैं और मुझे भी काफी खुशी है, लेकिन समय समाप्ति की पैदान पर हम लोग कदम रख चुके हैं, आप हमारे चैनल पे आए हमारा सौभाग्य था, और मैं आपको इसके लिए कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ, और आज यही हमारा सफर समाप्त होता है, कल हम मिलेंगे नए गेस्ट के साथ नए मेहमान के साथ रात्रि 8 बजे, और तब तक के लिए गुड नाइट सर, आपको धन्यवाद, शुभ रात्रि उषा मैम, गुड नाइट सबको, गुड नाइट सर, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट। नमस्कार, पंचकुला से मैं सुनीता गर्ग जल्द ही आप सबके रूबरू एक चैनल जिसका नाम है SPJSD एंटरटेनमेंट चैनल, जो बिहार में झारखंड से है, बहुत ही प्रसिद्ध चैनल है, इसके ऑनर
शिव प्रसाद गुप्ता जी बहुत ही अच्छे इंसान हैं, जो अपने इस चैनल में सभी को अपने मन के भाव, अपनी कलाओं को दिखाने और सुनाने का मौका देते हैं। इनका तहे दिल से मैं धन्यवाद चार पंक्तियों से करना चाहूंगी। कहते हैं कि चारों ओर उजाला होगा, गोपी संग में ग्वाला होगा, चारों ओर उजाला होगा, गोपी संग में ग्वाला होगा, SPJSG चैनल से जुड़कर देखो, ये जीवन बड़ा निराला होगा, ये जीवन बड़ा निराला होगा। एक बार फिर शिव प्रसाद गुप्ता जी को मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद।